दोस्तों, मेरा नाम गुरचरण सिंह बब्बर है। मैं 3 डेली मॉर्निंग अखबारों का एडिटर इन चीफ हाँ। इस करके मेरे को किसान अंदोलन के बारे टॉप सीक्रेट बड़ी इनफॉरमेशन है, मैं जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करन लगा। मैं तुहानू दसना चाहना कि सरकार किसी भी कीमत पर किसानां दे 3 कानून जिहड़े ने वो वापस नहीं लेगी। एक सरकार ने अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया कि यह कानून वापस नहीं होंगे। और सरकार सिंधु बार्डर ते जिहड़ा धरना किसानां दा, इस धरने तो बहुत घबरा गई है। इस करके सरकार जिहड़ी है बहुत जल्द एक बहुत वड्डी कार्रवाई सिंधु बार्डर ते करन वाली है। सरकार ने तैयारी कर ली है। इस कार्रवाई दे विच सरकारी जो सूचना ने मेरे कोल, सैटेलाइट दे द्वारा कम हो रहा है, ड्रोन दे द्वारा कम हो रहा है। इस धरने दे विच सिंधु बार्डर दे विच बहुत वड्डी गिनती दे विच प्राइवेट एजेंसियां कम कर रही ने सरकार दा। उत्थे इस गल दा पता लगाया जा रहा है कि कितने बच्चे ने, कितनियां औरतां ने, कितने बुजुर्ग ने और कितने नौजवान ने और कितने लीडर ने। ये सूचना इकट्ठियां करके उस ते एक ऑपरेशन करन दी तैयारी की जा रही है। सरकार बहुत जल्द किसी दिन अधी रात नू, ठंडी रात नू लाइटां बुझा के अंधेरे दे विच वड्डियां टॉर्चां दे सहारे नाल बहुत वड्डी गिनती दे विच पैरामिलिट्री फोर्स दे मदद नाल, हो सकदा है इस दे विच सरकार जिहड़ी है वो BSF CRP दी वड्डी मदद लवे। इस दे नाल नाल सरकार बहुत वड्डी गिनती दे विच गिरफ्तारियां करके बंदियां नू इत्थों चुक के लै जाणगे। ते दूसरी तरफ पंजाब ते हरियाणा दे विच अचानक करफ्यू लगा देंगे। इससे भी इस तरह दियां भी खबरां मेरे कोल आ रही ने, ताकि हरियाणा ते पंजाब दे विच किसी भी तरह का रिएक्शन ना होवे। एक कार्रवाई जिहड़ी है बहुत वड्डे पद्धर ते होण जा रही है, क्योंकि सरकार ने किसी भी कीमत दे उत्ते चुकना नहीं। RSS और BJP का एक फैसला है कि अगर असी किसानां दी इस मंग नू मन लिया ते 3 कानून असी वापस लै ले, ते मोदी दी वो जिहड़ी दहशत है, मोदी दी जिहड़ी परसनैलिटी है वो खत्म हो जाएगी, फिर साढ़े वास्ते अगे बड़ियां मुसीबतां खड़ियां हो जाणगियां कि मोदी चुकदा है। हुण तक एक मोदी ने अपना इंप्रैशन बना रख्या सी कि मोदी ना चुकदा है ना डरदा है, मोदी अपनी गल तो पिछे नहीं हटता। इस करके मोदी ने और मोदी सरकार ने यह पक्का फैसला कर लिया है कि असी किसी भी कीमत पर किसानां दे 3 कानून वापस नहीं लेने। सूत्र जिहड़े टॉप सीक्रेट खबरां दे रहे ने, उन्हां दा कहना है कि संघ परिवार ने मोदी दी पूरी मदद करन दी ठान ली है। BJP दा ब्लॉक लेवल दा लीडर भी मोदी दी मदद करेगा। सरकार पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी
और इस एजिटेशन नू कुचलन दी पूरी कोशिश नहीं की जाएगी, कुचल दिता जाएगा। ऐसे हालात दे विच मैं बहुत सीनियर बंदा, मैनू लगता है बहुत वड्डी गिनती दे विच लोग जड़े ने इस सरकारी कार्रवाई दे विच मारे जा सकते हैं, बड़ी बड़ी गिनती विच जख्मी भी हो सकते हैं, बहुत वड्डी तादाद दे विच, क्योंकि सरकार ने नहीं मरना। सरकार ने पूरा अपना मीडिया मुट्ठी च कर लिया, मीडिया सरकार दा पक्ष लेगा, सरकार नू जस्टिफाई करेगा, सरकार दा जिहड़ा कार्रवाई है उसनू ठीक ठहराएगा, और सारी सरकारी मशीनरी जितनी सरकारी मशीनरी है वो सरकारी मशीनरी इस एजिटेशन नू कुचलन दे विच दबान दे विच काम करेगी। ते मेरी किसान नेतावां नू लीडरां नू एडवाइज है, वो सिर्फ यह ना सोचन कि वो सिंधु बार्डर ते बैठे ने ते सरकार दूसरी तरफ कुछ नहीं कर रही, सरकार दूसरी तरफ पूरा ऑपरेशन करन दी तैयारी कर रही है, पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका है, एजेंसियां टॉप सीक्रेट लग गई ने, पैरामिलिट्री फोर्स के सीनियर अफसर नाल टॉप सीक्रेट मीटिंग्स चल रही ने, दूसरी तरफ किसान लीडर नाल गलबात का ड्रामा भी चल रहा है, ताकि किसान लीडर नू सिर्फ इतना ही इंप्रेशन जाए कि सरकार साढ़े नाल गल कर रही है, सरकार होर कुछ नहीं करेगी। पर नहीं, सरकार एक तरफ तुहानू गलां बातां च लगाएगी, दूसरी तरफ सरकार एक अचानक अधी रात नू एक बहुत वड्डे लेवल दा एक बहुत वड्डा ऑपरेशन करेगी, और जितनी ट्रैक्टर ट्रालियां जितना किसानों के ट्रक गड्डियां कारां सब इत्थे ही सरकार ने रोक लेनियां, बंदियां नू नौजवानां नू चुक के ले जाना, ते दूर दराज लैके जेलां विच और टंपरेरी जेलां बना के उत्थे रखना। सरकार किसी भी कीमत ते तीन काले कानून वापस नहीं लेगी, जे किना किसी दे मन विच इस गल दा भुलेखा है ते ओह कर देन। ऐ मन लो कि तुसी कि सरकार बहुत जल्द एक बहुत वड्डी कार्रवाई करन वाली है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं किसान लीडरां नू अलर्ट कर देवा कि तुसी होशियार रहो कि यह कार्रवाई होगी होवेगी। यह कार्रवाई हो सकता है टिगरी बॉर्डर ते भी होवे एट ए टाइम, ये भी चांस ने कि गाजीपुर दी तरफ भी नाल करन, पर जो हुन तक दी खबर है मोदी सरकार सिर्फ सिंधु बार्डर तो घबराई है, सरकार दी चिंता सिर्फ सिंधु बार्डर है। सरकार सिंधु बार्डर ते बहुत जबरदस्त ऑपरेशन करन दी तैयारी विच है, इस करके किसान लीडरां नू अपनी नीति रणनीति के उते पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए, ताकि किसान किसानों का नुकसान ना हो। और सरकार नू मैं एडवाइस करांगा एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, एक किताबां दा आथर होने के नाते, एक बड़ा सीनियर
जर्नलिस्ट होने के नाते मैं सरकार नूं एडवाइस करांगा कि सरकार किसानां दे इस अंदोलन नूं दबाउण वास्ते ताकत का इस्तेमाल ना करे। अगर वह ताकत का इस्तेमाल करन दी सोच रहे ने जां करन दी कार्रवाई करन वाले ने, यह बहुत वड्डी इतिहासक गलती होएगी। इसका खमियाजा पूरा देश भुगतेगा। मेरी सलाह है, मोदी सरकार किसानां नाल बैठ के किसानां दियां मंगां मल ले ते इस अंदोलन नूं खत्म किया जाए, वरना यह अंदोलन अगर जबरन कुचलन दी सरकार ने दबान दी कोशिश की थी ते इहदे नतीजे बड़े भयानक निकलणगे जो देश दे हित विच नहीं होणगे। सानू सारिआं नूं अपने देश दी चिंता करनी चाहीदी है। मैं मोदी साहब नूं कहांगा, मोदी सरकार नूं कहांगा, आरएसएस और बीजेपी नूं भी कहांगा कि जिद छोड़ दो, जिद ठीक नहीं। किसानां नूं तुसी डंडा चला के उठाने की कोशिश ना करो। किसानां ते गोलियां चला के उठाने की कोशिश ना करो। आंसू गैस दे गोले छोड़ के पानी दियां बुछारां करके उठाने की कोशिश ना करो, वरना इसका असर किसानां दे पुत्रां ते पहुंचेगा जिहड़े देश दी सरहदां ते बैठे ने, जिहड़े फौज विच ने, जिहड़े पुलिस विच ने, जिहड़े बीएसएफ विच ने, जिहड़े सीआरपी विच ने, जिहड़े आईएएस ने, जिहड़े आईपीएस ने, इह सारे रिएक्ट करनगे। इस करके सरकार नूं चाहीदा है ना वो धमकी दे और ना वो इस अंदोलन नूं दबाउण वास्ते ताकत दा इस्तेमाल करे। मैं एक बारी फिर अपने किसान वीरां नूं रिक्वेस्ट करांगा कि वो भी अपनी टॉप सीक्रेट रणनीति बनान कि किस तरह मोदी सरकार नाल निबड़ना है, किस तरीके ना गलबात करनी है, किस तरीके ना अपने किले नूं मजबूत रखना है। मैं इतने शब्द कह के मैं थोड़े तो क्षमा दा याचक हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।